चांग भी कोई जैसे नदी लहर लहर जैस बह रही है, कोई अन कही कोई अन सुनी बात धीमे धीमे कह रही है। नमस्कार CDCN के दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑर्केस्ट्रेशन के इस एपिसोड नंबर 3 में। और इस भाग पर हम ले आए हैं अरुणाचल आइडल सीजन 3 के सेकंड रनर अप गांधी नाजी को, जो कि एक बहुत ही उम्दा कलाकार है सेमी क्लासिकल सिंगिंग में। और उनका साथ देने के लिए आए हैं हमारे जोसेफ, जो कि एक गिटारिस्ट है, डुएट आर्टिस्ट है। तो अब मैं इंट्रोडक्शन करने जा रही हूँ हमारे गांधी नाजी और जोसेफ को। तो वेलकम बोथ ऑफ यू हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं, जैसे कि हम सभी को पता है कि आप दोनों बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे शोज़ कर चुके हो साथ में, और आप तो बहुत अच्छे सेमी क्लासिकल सिंगर हो, जो कि अरुणाचल में आई थिंक मेरे तो वन ऑफ द बेस्टेस्ट और फेवरेट हो। तो इसीलिए मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूँगी गांधी से कि आपने अपना सिंगिंग करियर कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से ये सब आ गया और आप इतना अच्छा गाने लगे? मेरा सिंगिंग इंस्पिरेशन तो मेरे माता पिता थे, क्योंकि घर में मॉम डैड गाते थे। अच्छा। तो मतलब वो लोग जिस घर में गुनगुनाते थे ना, तो बचपन से वो लोग को सुनते हुए बड़ा हुआ मैं। जी जी। तो इंस्पिरेशन बोलने से पेरेंट्स से ही मिला है। एंड आफ्टर दैट स्कूलिंग, जहाँ मैं अपने स्कूलिंग विवेकानंद केंद्र विद्यालय VKV कुपरुजो में किया था, दापुरुजो में। तो वहाँ पे मुझे सिंगिंग का, मतलब आप कह सकते हैं मुझे सिंगिंग का इंस्पिरेशन वहाँ से मिला मुझे, क्योंकि हम लोगों को हमेशा वहाँ प्रेयर्स करना पड़ता था, और मतलब हॉस्टल्स में रहते थे, तो प्रेयर्स करना पड़ता था और भजन कीर्तन वगैरह करना पड़ता था। सो इंस्पिरेशन से वहाँ से ही मुझे, अगर देखा जाए तो मुझे वहाँ से ही मतलब मिला इंस्पिरेशन सिंगिंग के लिए। तो वहाँ से मैंने प्रैक्टिस रिहर्सल पे किसी ने सिखाया आपको सिंगिंग? हमारे गुरुजी रहते थे वहाँ पे, बट प्रोफेशनली तो वहाँ सिखाने वाला कोई नहीं था। बस हम सभी को इन कॉमन में हम लोग को भजन कीर्तन ये सब सिखाते थे। स्कूल्स में भी शोज करते थे या फिर सिंगल? कभी स्कूल्स में कल्चरल वीक्स में परफॉर्म किया था मैंने, क्लास 5 और 6 के 6 समय। तो वहाँ भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। हिंदी गाना गाया था या हिंदी? नहीं, मैंने देशभक्त गाना गाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। उसके बाद से मैंने VKV में क्लास 10 तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद क्लास 11-12 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ पर ज्वाइन किया। एंड आफ्टर दैट सिंगिंग को मैंने छोड़ा नहीं, बस कंटिन्यू जारी रखा, और दिन में घर पे बैठ के रियाज कर देगा। तो समय के साथ मेरे सिंगिंग जो स्किल्स है वो भी धीरे धीरे बढ़ते गया। बट अफसोस की बात यह है कि मेरा बैकग्राउंड अभी ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ कि कभी प्रोफेशनली म्यूजिक सीखने को मौका नहीं मिला। अपर सुबनसिरी, राइट? अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अपर जो से बिलोंग करता हूँ, तो कभी प्रोफेशनली सिंगिंग सीखने के लिए मौका नहीं मिला। सो एक ही चारा था, घर पे बैठ के खुद रियाज करना। और मतलब इंटरनेट या यूट्यूब कहीं उस समय इंटरनेट और फोन, तो आफ्टर क्लास जब कॉलेज पहुंचने के बाद ही मुझे एक्सेस मिला सर। इससे पहले तो जब क्लास 5-6 के दौरान तो रेडियो से मुझे सुनना पड़ता था, रेडियो से मुझे सीखना पड़ता था, क्योंकि मेरे घर पे तो टेलीविज़न भी नहीं थे उस समय। आफ्टर क्लास 10 के बाद में टेलीविज़न मामा ने फर्स्ट टाइम खरीदा था, तो उसके बाद से धीरे धीरे वहाँ से मिला। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपका जो भी आपका करियर था या फिर रहा है या हो रहा है, देखते हैं। और अब मैं पूछना चाहती हूँ जोसेफ से, तो जोसेफ आप दोनों कब से मतलब पार्टनरशिप में? जबकि नाजी तो पहले ऐसे ही गाता था अरुणाचल आइडल में भी एज ए रनर अप घोषित हुए हैं, आप बताइए आप दोनों कैसे मिले? जब अरुणाचल आइडल हो रहा था वहाँ पे आप भी कंटेस्टेंट थे? जी, नहीं, मैं एक्चुअली मैं किसी के सपोर्ट में था। जी, जी, जी। दोस्त था। हाँ, हाँ, तो अच्छा, आप दूसरे दोस्त के लिए सपोर्ट करने के लिए? अच्छा, तो ऐसा करके
दोस्त बन गया और काफी लोग के लिए मैं उसमें ऑडिशन के लिए जो बोटिंग एफएल के लिए जो वीडियो बना था तो उसमें मैं बजा दिया था। अच्छा, अच्छा। तो साथ ही साथ गांधी भी उसमें ऐसा करके मिल गया, उसके बाद वैसे शुरू हो गया दोस्त। तो इट्स बीन साल हो गया, इट्स बीन ईयर, वन ईयर। हां हां, तो आप लोगों ने बहुत सारे शोज किए साथ में जी। अभी फिलहाल अब तक तो 5-6 शो कर चुका हूं जोसेफ के साथ में, और रिसेंटली हम दोनों ने ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया है, बट जस्ट अभी सोचा है कि एक नाम रखा है हम दोनों का, एक का गांधी एंड जोसेफ हो गया। अच्छा, डुएट बैंड, डुएट एक है, सो डुएट बैंड है। तो आशा करता हूँ फ्यूचर में कुछ हो। तो और तो जोसेफ बताइए कि आपने गिटारिस्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट कहाँ था, आपका कामले था ना डिस्ट्रिक्ट, तो मतलब कामले डिस्ट्रिक्ट भी एक बहुत ही रिमोट या फिर रिमोट ही कह सकते हैं हमारे अरुणाचल में, बहुत सारे जिले ऐसे जो ज़्यादा ही रिमोट है, तो आपने इतने रिमोट एरिया से बिलोंग करते हुए भी लेकिन आपने गिटार सीखा, इट्स ए वेस्टर्न थिंग। सबसे पहले बात तो यही है कि एक वेस्टर्न मतलब इक्विपमेंट को लेके, एक म्यूज़िक को लेके आपने आगे बढ़े और बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी हो, अब आपको हायर किया जाता है, तो कहाँ से स्टार्ट किया आपने? कुछ साल आई थिंक 10 ईयर्स समथिंग हो गया मैं शुरू किया वाला। पहले तो म्यूजिक तो पहले से पसंद था, बचपन से पसंद था, पर हाँ जैसे कि आपने बोला कि रिमोट तो इतना नॉलेज नहीं होता था म्यूजिक का, तो जब से यहाँ पे आया है उसके बाद चर्च जब से शुरू किया, अच्छा, चर्च से सीखा। हाँ, तो गिटार तब से बजाने मिला और चुने मिला, मतलब वही उधर से शुरू हो गया, ऐसा करके सीख लिया। मैंने बहुत सारे गिटारिस्ट और सिंगर्स लोग को भी देखा है जो चर्चेस से, हमारे जो अरुणाचल में चर्चेस है ना, वहाँ से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है और वहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल जाता है लोगों के सामने में गाना, ये सब मैंने बहुत बार देखा है और बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि कहाँ से स्टार्ट किया, तो चर्च से होता है मोस्टली। तो आपने जो गिटार सीखा है चर्च से सीखा है, प्रोफेशनली सीखा आपने? नहीं नहीं, प्रोफेशनली सीखा, गिटार तो वैसे तो खुद ही सीखा, बस वो एक ही बोल सकते कि गिटार मतलब मिलता नहीं था ना, तो चर्च में गिटार मिलता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा करके शुरू हुआ। अच्छा अच्छा, बस वही, बहुत बहुत अच्छी बात है, वो भी उसी इतने छोटे चीजों से आपने बहुत अपना करियर ही बना लिया संभव अभी। अच्छा, तो इसके बाद मैं गांधी से पूछना चाहती हूँ कि आप एज ए सेमी क्लासिकल सिंगर, आपको कैसे पता चला कि आप ये जॉनर के सिंगर हो? मुझे तो वीकेवी, जब मैं वीकेवी पे था तो उस दौरान मुझे पता चला, क्योंकि मुझे काफ़ी बचपन से इंटरेस्ट फिल्मी भजन कीर्तन से ही शुरू हुआ था गाना, तो बट अब तक धीरे धीरे हम बॉलीवुड टच हुआ, उसके बाद फिल्मी गाना स्टार्ट किया था। सो एट इनिशियल पॉइंट में तो क्लासिकल वगैरह तो नहीं सकता था, तो धीरे धीरे पद सुन सुन के आदत से हो गई, और मुझे लगा कि जो मेरा जो आवाज़ है तो वो इसी के लिए बनाया। अच्छा, तो इसके साथ ही अब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि बॉलीवुड में आपका आइडल कौन है? बॉलीवुड में मैं उस्ताद शफकत अमानत अली, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उसे मैं अपना आइडल मानता हूँ। बहुत अच्छे सिंगर है वो, जी वो भी सेमी क्लासिकल और क्लासिकल सिंगर भी आई थिंक वो ना। जी जी, तो उनका ही एक गाना सुना दीजिए। ओके, मैं अपने दर्शकों को उस्ताद शफकत अमानत अली का जो कि सबसे पॉपुलर सॉन्ग है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। आपका फेवरेट सॉन्ग है? हाँ, और मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। क्या नाम है उस सॉन्ग का? वो सॉन्ग का नाम है खमाज, जिन्हें मोरा सैया भी कहा जाता है, तो मैं वो सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, श्योर श्योर। सावन भी तो जाए प्यारवा, सावन भी तो जाए प्यारवा, सावन भी तो जाए प्यारवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसा
गए परदेश पिया तुम, ऐसो गए परदेश पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हार रहे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले कितना करते हैं प्यार तुम्हें, कितना करते हैं तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो प्यारवा, जब हम ना होंगे तो बिहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारे, लाख जतन कर हार रहे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले थैंक यू सो मच गांधी, आपने अपने वॉइस में इतना अच्छा सबकत अमानत अली का, जो कि मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है, उसे गाया और इतनी अच्छी तरीके से निभाया, इतना अच्छा से, मैं तो सिंगर नहीं हूँ लेकिन फिर भी जितना तक मैंने सुना है बहुत ही बेहतर था, एंड आई होप कि मेरे दर्शकों को भी पसंद आ जाए आपका सॉन्ग। और हाँ जी, तो सेकेंड अब मैं ये पूछने वाली हूँ कि जैसे कि आप अरुणाचल आइडल सीजन 3 में सेकेंड रनर अप हो चुके हैं, उसके बाद आपको हमारे स्टेट में अपॉर्चुनिटीज मिला या फिर कुछ भी, मतलब जो आपने सोचा था एक्सपेक्टेशन जब आप सेकेंड रनर अप बन गए, मतलब हाँ चलो कोई बात नहीं, वैसे तो विनर बनने के लिए गए थे लेकिन फिर भी आप सेकेंड रनर अप हुए, वो भी बड़ी बात है, बहुत लाखों की भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में आपको सेकेंड रनर अप बनना भी बहुत बड़ी बात है, तो जब आप बने तो आपने क्या एक्सपेक्टेशन किया था, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ जो आपका पूरा नहीं हुआ? जी मेरा तो कहना यही है कि अपना साल भर के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे लोगों को नोटिस के लोगों को, जो म्यूजिशियन होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और अगर प्लेटफॉर्म भी मिला जाए तो लोग नहीं होते हैं जो वो आर्टिस्ट को पुशअप कर सके ना, जो स्पॉन्सर कर सके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से अपना मतलब ही निकाल के छोड़ देते हैं। जी यहाँ पे काफ़ी स्कर्सिटी है सबके, और मेंटेलिटी कहीं ना कहीं हम लोग का आ ही जाता है, इसमें थोड़ा पुअर है इसमें, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अरुणाचल आइडल सीजन 3 जहाँ पे मैं सेकंड रनर रह चुका हूँ, तो यहाँ पे सेम कुछ ऐसा इश्यूज होता है जहाँ पे ऐसे सोर्स वगैरह, तो मैं कभी कभी ऐसा हो जा, ऐसा भी हो रहा है आजकल के लोग तो बुलाते हैं यहाँ सोर्स कराने के लिए कंटेस्टेंट को दूर दूर से, तो हम लोग तो एक्सपेक्टेशन हम लोग का यही रहता है कि क्योंकि यह अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्राइस मनी और ये सब की बात कर रहा हूँ, डजंट मैटर प्राइस मनी आपका 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, जो डजंट मैटर, बट ऐसा होता है कि हम लोग का यहाँ पे जो ज़्यादातर रूरल, मैं भी खुद भी बहुत रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ ना, तो
हम जैसे छोटे लोगों को ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है बट उसके जो प्राइस मनी जो है सो वो चाहे 1 लाख हो या चाहे 50,000 हो जो भी हो तो उससे वो आमदनी से हम लोग कुछ शुरू कर रहे हैं, मतलब हम भले अपने करियर के लिए कुछ स्टार्टिंग एक पॉइंट मिल जाता है, भले लोगों के लिए बाकी लोगों के लिए ये बहुत कम रकम होगा बट ज़्यादातर हम जैसे लोगों के लिए ये जो रकम जो है जो जिन जो जिन्हें लोग कम मानते हैं वो हमारे लिए बहुत हमारे लिए काफी है, हमारे लिए कहीं पे जाके कुछ भी अपने लिए क्लासेस ले सकते हैं, है ना जी, कुछ भी मतलब बहुत तरीके की ऐसी चीज है जो इतने छोटे से रकम से भी आप लोगों को बहुत फायदा होता है जी। तो मतलब इस तरह का क्या हो रहा है मतलब प्राइस मनी को लेके फिलहाल? तो यहाँ पे तो कुछ कहना, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस वही कहना चाहूँगा कि जो भी सोर्स स्पॉन्सर करते हैं, जो भी रो आर्टिस्ट लोग को मौका देता है, प्लेटफॉर्म देता है, और हम तो वो लोग को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट लोग के साथ में जो इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। आप उन्हें बुलाते हैं जगह से, उन्हें सपने दिखाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि प्राइस मनी इतना है, आप लोगों को मेहनत करो और ये पाओ। और जब लोग कंटेस्टेंट मेहनत करता है, जीत और मेहनत, दिन रात मेहनत करके जब वो पा लेता है वो मुकाम, बट उसे कहीं ना कहीं निराश होकर जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो मतलब निराश करा देते हैं और अब कंटेस्टेंट ऐसा ही खाली आज जाना पड़ता है घर पे, तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और वैसे जब मैंने कभी किसी ऐसे ही शोज़ के किसी लोगों से भी बात किया था, तो जब मैंने कभी इंटरव्यू लिया था तो उन लोग कहते हैं कि हम हमेशा इन लोगों को प्रोत्साहन करना, इन लोगों को बढ़ावा, इनकरेजमेंट करने के लिए ही हम लोग इस तरह का शोज़ रख रहे हैं, हम लोग हमेशा ऐसे ही पुश करते हैं, ऐसा करते हैं, उन्हें बाहर भेजते हैं, मतलब इस तरह का वादा किया जाता है कि आप लोगों को कि अगर आप इतना तक बन गए, ऐसा हुआ तो आपको मैं हमारे जो स्पॉन्सर है उन लोग के जो शोज़ के, तो उन लोग आप लोगों को पुशअप करने के लिए बाहर भेज देते हैं, या ऐसा कभी सुना है या फिर आप लोगों की ज़िंदगी में हुआ? ऐसा एक्सपीरियंस तो मेरे पास तो नहीं हुआ, क्योंकि ये अरुणाचल आइडल तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पे मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा क्राउड के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। सो अभी तक तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट वही है कि सभी कहीं ना कहीं से मतलब झूठा ये मतलब कहीं ना कहीं से झूठ भी कहा जा रहा है यहाँ पे, फ्रॉड भी हो रहा है मतलब सिंगर्स या फिर कोई भी आर्टिस्ट को, है ना? आप लोग यही कहना चाहते हैं या फिर इसी तरह का हो रहा है यहाँ पे जिसका वजह से लोग या कोई भी आर्टिस्ट मतलब डिस्करेज्ड हो जाते हैं अपने करियर को लेके? तो आपको क्या लगता है, आप इनकरेज हो या डिस्करेज हो अपने करियर को लेके? करियर को तो लेके तो फिलहाल तो सेल्फ मोटिवेशन ही मुझे आगे बढ़ने में मतलब अभी तक प्रोत्साहित कर रहा है, तो यही है अभी सर मोटिवेशन को लेके मैं चल रहा हूँ। तो जैसे कि आप दोनों डुएट आर्टिस्ट हो और साथ में बहुत सारे शोज करते हो, कर रहे हो, तो आप लोग ने अपने डुएट जो बैंड कहूँ या फिर डुएट आर्टिस्ट दोनों का जो भी है, तो आप दोनों इस जो जोड़ी है इसको आगे ले जाना चाहते हो या फिर? जी जरूर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब कुछ फ्यूचर प्लानिंग है आप दोनों को लेके? हाँ मतलब क्योंकि जब से मिला हूँ बस मैं अपने दोस्त को तो ये कह रहा हूँ कि चलो अगर बैंड देखा जाए तो उसमें 5 मेंबर होते हैं ना, तो हम दोनों की एक गिटारिस्ट, एक लीड सिंगर, तो एक डुएट एक्ट बनाते हैं। तो मैं कुछ महीना पहले से कहा था कि चलो हम दोनों कुछ एक एक्ट बनाते हैं जिसे गांधी एंड जोसेफ नाम रखते हैं। और अच्छा वो पढ़ गया, अब कर रहे हैं आप आज आपके चैनल के दौरान, मैं बस दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि हम दोनों का एक्ट है, बैंड है हम दोनों का। तो जैसे कि आप दोनों डुएट है, आप गिटार बजाते हो, आप सिंगिंग करते हो, कभी ये भी इन्होंने भी सिंगिंग किया है एक्सक्लूसिवली आज SEDCN में अपना आवाज भी सुना दीजिए। और जैसे कि गांधी ने बोला है कि आप भी गाते हो, कहीं ना कहीं से हर आर्टिस्ट तो अंदर भी एक आर्टिस्ट होता है, ये बजा सकते हो, इसका मतलब आप गा के ही तो बजा के सीखे हो, है ना? तो प्लीज हमें एक गाना सुना दे दीजिए दोनों का। Thank you.
शाम भी कोई जैसे नदी लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है, कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से हम और तुम। के बूम 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 परा परा ए खामोश दोनों, के बूम 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 परा परा ए मदहोश दोनों, गुमसुम गुमसुम है फिजा जो कहती है सुनती है निगाह, जो गुमसुम गुमसुम है फिजा है ना। थैंक यू सो मच गांधी एंड जोसेफ, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाने के लिए। लाइक सच में ऐसा लग रहा था कि शाम हो गई और हम मतलब कोई नदी के सामने में बैठ के सब सुन रहे। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था। अब मैं आपसे, आप दोनों से या फिर गांधी दोनों से ही मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कभी लोकल सॉन्ग पे कभी ध्यान दिया, जो अरुणाचल के सॉन्ग्स है या फिर जो अरुणाचल की फिल्म्स है उसमें भी कभी मतलब गाने का या फिर अपना प्रपोजल देने का कि मैं गाना चाहती हूँ इस तरह चाहता हूँ सॉरी गाना चाहता हूँ या मैं बजाना चाहती हूँ, इस तरह का कभी ऑफर मिला या कभी चांसेस? मेरा तो परवरिश जैसा कि मैंने कहा है कि मैं बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, रिमोट एरिया से। सो बेसिकली आकाशवाणी होते थे उस समय, रेडियो में तो हाँ वहाँ लोकल सॉन्ग्स बजते थे और स्टार्टिंग तो लोकल सॉन्ग से शुरू हुआ था मेरा। सो हाँ मुझे अपने फोक सॉन्ग, मुझे अपने जो लोकल गाने हैं उससे मुझे बहुत 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 प्यार है। और जहाँ तक जैसा कि हाँ आप बताए कभी बहुत पसंद है, मतलब आपको कभी ऑफर मिला या फिर कहीं पे बजाना या ऑफर? ऐसा तो नहीं मिला, बस छोटा सा जो गीक ऐसा में किसी के लिए बजा देना पड़ा ऐसा ऐसा सिर्फ, और ऐसा बहुत द्वारा अभी तक इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। ओके, तो मतलब वैसे आप लोग ने लोकल सॉन्ग तो सुना ही होगा कुछ भी, तो आप लोगों का फेवरेट कोई लोकल सुना दीजिए हमारे दर्शक के लिए, ऐसा ही कोई खूबसूरत वाला जो आपका भी फेवरेट हो। मैं अरुणाचल आइडल सीजन 3 के दौरान मैंने एक गालो सॉन्ग गाया था, जी जी जी, अपर पोमर। अच्छा, मैं उसे गाना चाहता हूँ। ठीक है, श्योर श्योर, प्लीज। अपर पोमर का के जाना ngok mein likho main jala ke ribiro bo dore manna, ngok mein likho main jala ke nok ajun no mem padum la, nok ajun
और मैंने सुना है कि पब्लिक से और मेरे स्टाफ्स और मेरे फ्रेंड्स लोग हमेशा कहते हैं कि गांधी नाजी और उसके जो जोसेफ है बहुत अच्छा बजाते और बहुत अच्छा गाते हैं आहटे गाना, तो मैं फरमाइश करूँगी हमारे दर्शकों के लिए प्लीज़ वो आहटे गा दीजिए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। It's a very beautiful composing by Agni Band, right? Yes. और मोहन करान ने गाया है, बहुत ही सुंदर गाना है। और जैसे कि आप ये जो सेमी क्लासिकल ये सब जिस तरह से भी आप गाते हो जी, ये सब का मतलब आपने कभी ट्रेनिंग लिया या फिर नहीं, कभी बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो बस अपने कम घर पे बैठ के सीखा है। जी जी। और मतलब आपके करियर में, आपके लाइफ में, आपके सिंगिंग को लेके या फिर आपके गिटारिस्ट जो भी है, मतलब आपने जो गिटार कोई मतलब आप लोगों के घर से या फिर किसी ने सपोर्ट किया है हमेशा या फिर कभी भी, आप पहले बता दीजिए। मैं तो बस दर्शकों को बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं उन लकी फैमिली लकी इंसान में से हूँ जो फैमिली जिसको फैमिली जिन्होंने फैमिली मतलब फुली सपोर्ट किया, फुली सपोर्ट किया। जी जी जी। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हम ट्राइबल फैमिली इस लोग में सिंगिंग खास करके म्यूजिक जो को करिकुलर एक्टिविटीज होता है उसको इतना मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है। मेरी फैमिली दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, उन लोग समझ नहीं पाते इस चीज को। आई फील एक्चुअली लेकिन आपके मॉम डैड हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। जी, मेरे सब फैमिली। अच्छा, और जोसेफ आप बताइए। मेरा तो मतलब आपने जो करियर स्टार्ट कर दिया है अभी अपने गिटार में, वैसे तो आपने चर्चेस से स्टार्ट किया है ना, तो लेकिन धीरे धीरे अभी आप प्रोफेशनली आते जा रहे हो, है ना, आप डूब गए हो अभी ये करियर में, तो मतलब आपके फैमिली से किस तरह का रिस्पॉन्स आता है? जी, फैमिली तो वैसे ना म्यूजिक का नॉलेज नहीं होता, लेकिन डिस्करेज भी नहीं करता है, इनकरेज में भी पर ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेरा भैया है जो उनसे जो बड़ा है, जी जी, उसका नाम जॉन है, जी जी, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता जी, है जी, म्यूजिक लेके बहुत इनकरेज करता है, वही है। और फैमिली तो इतना
जी इतना पता नहीं है तो मतलब कभी आप लोगों ने ऐसा माहौल हुआ है कि कभी घर में मॉम डैड ने बोला है चलो बेटा आज आप बहुत अच्छे गिटारिस्ट हो कभी चलो आज आके मुझे गिटार बजा के सुनाओ या फिर कोई गाना गा के ऐसा कभी हुआ और गांधी मेरा ये तो हमेशा होता है जब भी एनुअल जब साल का फैमिली इकट्ठे होते हैं 31st होता है जब नया साल होता है तो उसमें मैं ही एक ऐसा छोटा सिंगर होता हूँ जो फैमिली को जमाता है ना अच्छा मतलब सब लोग चलो गांधी आज सुना दो ओकेशनली सब सब तो मतलब वो टाइम को मोस्टली क्या गाना गाते हो अगर घर में गाते हो तो कुछ सुनाते हो तो घर में तो यूजली सेमी क्लासिकल को साइड पे रखना पड़ता है तो वहाँ पे फिल्मी जी या फिर कोई कोई फैमिली वाला गाना है मतलब जैसे कि आप लोग का फैमिली लोग का जो सिग्नेचर गाना है कि सब लोग उस गाना को गुनगुनाते हैं आपके साथ या फेवरेट है उनका हाँ जी एक है और मैं सुनाना चाहता हूँ जी कौन सा गाना है प्लीज उसका गाना का नाम है दिल नैनों ने बांधी कैसे दौड़ रहे जी मतलब वो आप हमेशा गाते रहते और आपके फैमिली लोग भी पसंद करते हैं ओके ठीक है प्लीज वो गाना भी सुना दीजिए दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्ज़ों में नहीं हो बयां दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्ज़ों में नहीं हो बयां अब जैसा विरासता टूटेगा ना वास्ता ना रहेगा फासला दरमियां नैनों ने बांधी कैसे दौर रे हो नैनों ने बांधी कैसे दौर रे हो मुन सभी मेरा मेरा छोड़ रे दिल पे चले ना कोई जोर रे हो दिल पे चले ना कोई जोर रे हो खींचा चला जाए तेरी ओर रे चाहे सो गर्दिशे हो पर कोई बैर नहीं हम दुनिया से लड़ लेंगे पर तेरे बगैर नहीं दिल से सुन पिया दिल की दास्तां जो लफ्ज़ों में नहीं हो पाया हम सफर हम राज तू जिस्म में और सांस तू रहना मेरे पास तू यूं सदा नैनों ने बांधे कैसे दौर रे ओ नैनों ने बांधे कैसे दौर रे ओ मुन सभी मेरा मेरा छोर रे अच्छा बहुत अच्छा गाना था बहुत ही जैसे कि पहले से कहते आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल गाते हो आप तो इतना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिया होगा आप दोनों ने साथ में मिलके बहुत सारे शोज़ में या फिर कोई भी जगह पे तब कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप लोगों ने आप लोगों को बहुत अच्छा लगा वो ऑडियंस का मतलब जो रेस्पॉन्स था बहुत ही अच्छा था आप लोग वहाँ से शो करके खुश होके आए थे जब घर कोई ऐसा कोई किस्सा था कहीं से शो किया था
ऐसा तो जोसफ के साथ तो अब तक लगभग मैंने 500 कर चुका हूँ. तो जब भी हम दोनों ने परफॉर्म किया है तो मोमेंट कोई कोई मतलब एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे बहुत अच्छा लगा था आप लोगों को? जब चैरिटी शो हुआ था ये एजुकेशन कुछ का था क्या, कन्वेंशनल हॉल में हुआ था, तो वहाँ पे स्टूडेंट लोग बहुत सारे आए थे. तो वो एक चैरिटी शो था ब्लड डोनेशन की ओर से. सो हम लोगों को बुलाया गया था. सो जो वो जो माहौल था और जो जिस तरह से लोगों ने चीयर अप किया, हाँ जिस तरह से लोगों ने चीयर अप किया था, सुरेन लोगों ने चीयर अप किया था, वो काफी लाइक बहुत यादगार था हम दोनों के लिए. और अच्छा लगा था, मतलब अच्छा लगा था. और ऑटोग्राफी काफी पूछ रहे थे, ऐसा लगा मतलब थोड़ी देर के लिए स्टार्स लगा. ऑटोग्राफ मांगना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी. तो उस समय इतना अच्छा शो गया था, मतलब उस समय कुछ तो अच्छा गाया था होगा. हाँ तो प्लीज उसे सुना दीजिए प्लीज.
शाम भी कोई जैसे नदी लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है, कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से हम और तुम। बूम 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 परा परा ए खामोश दोनों, के बूम 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 परा परा ए मद होश दोनों, गुमसुम गुमसुम है फिजाए जो कहती है सुनती है निगाहें, जो गुमसुम गुमसुम है फिजाए।